हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का इस वीडियो पे स्वागत करती हूँ। आज हम सूजी केक बनाएंगे। सूजी का केक बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में एक तिहाई कप पिसी हुई चीनी और एक चौथाई कप तेल डालकर दोनों को अच्छे से विस्क कर लेंगे। एक दो मिनट विस्क करने के बाद इसमें एक चौथाई कप दही डालेंगे और फिर से अच्छे से विस्क कर लेंगे। दही भी अच्छे से मिल चुकी है। अब इसमें दो तिहाई कप सूजी और एक बड़ा चम्मच कोको पाउडर डालेंगे। ये ऑप्शनल है। अब इन दोनों को भी अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें 3 से 4 चम्मच दूध, हम दूध थोड़ा थोड़ा कर ही डालेंगे। अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए, हम इसे ज्यादा पतला नहीं करेंगे, इसे हल्का गाढ़ा ही रखेंगे। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे और इसे गर्म करेंगे और इसमें खूब सारा नमक डालेंगे। अब इसमें एक स्टैंड रखेंगे और इसे ढककर 2 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। अब हम एक एल्युमिनियम का बाउल लेंगे और एक बटर पेपर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप मार्केट से खरीदे हुए कपड़े में जो पेपर लगा हुआ होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। हम बटर पेपर को बाउल की शेप में काट लेंगे। देखिए, ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। हम इसे चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस करेंगे। देखिए, चारों तरफ से अच्छे से ग्रीस हो चुका है और हमारे 10 मिनट भी हो चुके हैं। अब हम बैटर देख लेते हैं। अब इसमें 1/4 चम्मच वनीला एसेंस, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, इसी से हमारा केक फ्लफी बनता है, और चुटकी भर सोडा डालेंगे। ध्यान रहे, हम सोडा बहुत जरा सा ही डालेंगे। अब सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम बैटर को एल्युमिनियम बाउल में डाल देंगे।
अब हम इसे बेक करने के लिए प्रीहीटेड बर्तन में रख देंगे। अब हम इसे ढक देंगे और धीमी आंच पर 35 से 40 मिनट तक बेक होने देंगे। से 35 मिनट हो चुकी है। देखिए केक पर क्रैक आ चुके हैं, इसका मतलब ये तैयार है। अब हम एक चाकू लेंगे और उसको इस तरीके से केक में डालकर देखेंगे। देखिए चाकू एकदम क्लीन निकला है, इसका मतलब ये तैयार है। अगर इसमें थोड़ी सी भी चिपचिपाहट होती तो हम इसे फिर से ढककर बेक होने देते। अब गैस बंद कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमने जो केक बनाने में नमक का यूज किया है हम उसे फेंकेंगे नहीं, उसे एक कंटेनर में स्टोर कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम केक बनाते टाइम उसे यूज कर लेंगे। केक ठंडा हो चुका है, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके लिए एक प्लेट लेंगे और प्लेट पर इसे इस तरीके से पलट लेंगे और टैप करते हुए केक को बाहर निकाल लेंगे। अब इस पर जो बटर पेपर लगा हुआ था उसको भी निकाल लेंगे। इसे सीधा पलट कर रख लेंगे। केक तैयार है, आप चाहे तो इसे ऐसे ही एंजॉय कर सकते हैं वरना इस पर कोई डेकोरेशन कर सकते हैं। देखिए हम इस पर पेपर स्ट्रिप की डेकोरेशन करेंगे। इसके लिए हमने पेपर की इस तरीके से स्ट्रिप्स काट ली थी। अब हम स्ट्रिप्स को इस तरीके से केक पर रख देंगे। सारी स्ट्रिप्स लग चुकी हैं। अब हम पिसी हुई चीनी को केक पर छान लेंगे। चारों तरफ से पिसी हुई चीनी अच्छे से फैल चुकी है। अब हम स्ट्रिप्स को हटा देंगे। इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी स्ट्रिप्स लगाएंगे। अब फिर से हम चीनी को छान लेंगे। अब हम स्ट्रिप्स को हटा देंगे। अब हम स्प्रिंकल्स लेंगे। ये केक की डेकोरेशन के लिए होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग केक की डेकोरेशन कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पेपर को स्ट्रिप्स में काटा है, आप चाहे तो किसी और शेप पे भी काट सकते हैं और इसे अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। देखिए दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, सूजी का केक बनकर तैयार है। अगर आपकी फैमिली में किसी की बर्थडे आने वाली हो और लॉकडाउन में केक लाना मुश्किल है तो आप इसे इजीली बनाकर एंजॉय कर सकते हैं।
इसे बनाने में हमने बिल्कुल भी अंडे का यूज नहीं किया है, इसलिए घर के बड़े बुजुर्गों को भी पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।